नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पे हैं और उसके बाद बांकुड़ा में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर अपने जनसभा को संबोधित करते हुए वो कहते हुए नजर आए कि बंगाल में जो है सपनों पर लात जो है मारने नहीं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दीदी से अगर सवाल किया जाता है तो वो गुस्से में हो जाते हैं। इसी को बारीकी से समझेंगे और उसके बाद कांग्रेस का क्या अस्तित्व है वहां पर और जो है सीपीआईएम के साथ जो वो लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या भविष्य है उस पर भी हम जिक्र करेंगे। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जो है हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इरफान खान जो टीएमसी समर्थक है और सामाजिक कार्यकर्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। दूसरे बेहद खास मेहमान तरन्नुम खान है जो अल्पसंख्यक विभाग के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के वाइस चेयरपर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का। शुक्रिया। इस चर्चा की शुरुआत इरफान खान सर मैं आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुड़ा में कहते हैं कि बीजेपी स्कीम से चलती है और टीएमसी स्कीम से क्या इशारा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए, उनके पास में बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए प्रधानमंत्री जी के पास। अब उनको बंगाल में स्कैम नजर आता है, कभी कोयला माफिया नजर आते हैं, कभी बालू माफिया नजर आते हैं उनको। मैं सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस किस्म का चश्मा प्रधानमंत्री जी ने लगा लिया है, जिस किस्म का चश्मा वो इस्तेमाल करते हैं वो चश्मा उनको वही दिखाता है। प्रधानमंत्री जी को जरूरत है कि अपने चश्मे को उतारें, चश्मे को साफ करें। बंगाल में किसी भी तरह का कोई स्कैम साबित नहीं हो पाया साहब आज तक। इल्जाम बड़े बड़े लगे, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे, नेताओं पर लगे, मगर जिन लोगों पर इल्जाम प्रूफ हुए, साबित हुए, वो तमाम के तमाम आज बीजेपी में है। बीजेपी में जाने के बाद वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं और जब तक वो टीएमसी में है वो स्कैमर्स। प्रधानमंत्री जी को जरूरत है कि वो चश्मा इस्तेमाल करें कि अगर कोई स्कैमर्स है, कोई घोटालाबाज है, कोई गलत काम करने वाला है तो वो बीजेपी में भी गलत काम करेगा जाके। सिर्फ टीएमसी में ही नहीं है, वो बीजेपी में जाने के बाद भी वो गलत ही है, वो सही नहीं हो जाएगा तो उसको वो लेते क्यों है? वो कौन सा चश्मा है जो प्रधानमंत्री जी के नजरिए को लगाते ही बदल देता है? पहले प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को साफ सुथरा करें। मैं उन पर स्कैमर्स का तो इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मगर हमारे यहाँ से टीएमसी से जो लोग गए हैं, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या अदर्स कोई भी हो, जो भी गए हों, वो सब वहां जाने के बाद में वो बिल्कुल साफ हो गए, वो और कोई तरह का कोई गलत काम में और इन्वॉल्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जिस पोस्ट पर, जिस पदवी पर वो विराजमान है, वहां से उस हिसाब से और उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए उनको बात करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस तरीके से शब्द यूज करते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तरन्नुम मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा। असम में आप जो है लेफ्ट को साइड करके चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विरोधाभास है? जनता आप पर क्यों यकीन करे, क्यों वो आपको वोट दे? हमारी कांग्रेस की जो पुरानी पॉलिसीज रही है, जो पहले थी वो आज भी है, जो आइडियोलॉजी पहले थी वो आज भी है। अगर जनता को यकीन है तो हमें आज भी वोट करेगी। हमारा विकास पे हमेशा से ही फोकस रहा है, हमें विकास करना है, हम हमेशा गरीब जनता के साथ में रहे हैं। ये इंदिरा नेहरू जी से लेकर आज राहुल गांधी तक यही हमारा एजेंडा रहा है, हमें गरीबों के साथ रहना है, मिलकर काम करना है, हमें कॉरपोरेट सेक्टर को साइड करके उनका साथ लेकर गरीबों का साथ विकास करना है। ठीक है, तो इस एजेंडे पर अगर जनता हम पे यकीन करती है तो वो जरूर हमारे साथ आएगी। ये सोचना गलत है कि हम किस क्षेत्र में किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और किसके साथ नहीं, ये हमारे ऊपर आला कमान तय करते हैं। ये हमें ग्राउंड लेवल पे देखना है कहाँ पे क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हम अपना आगे का एजेंडा तैयार करते हैं। तो हमें पूरा यकीन है, अगर हमने 70 साल में 60 साल में जितना भी काम किया है कांग्रेस ने, वाकई में काम किया है, ये तो आज हर कोई मानता है, सभी ने, कांग्रेस ने ही
जो भी डेवलपमेंट नजर आ रहा है, आप उठा के देख लीजिए पिछले 60 सालों का इतिहास, कांग्रेस के अलावा किसी ने किया हो तो आप मुझे एक बता दीजिए। उस विकास को लेकर, उस डेवलपमेंट को लेकर आज भी जनता वोट कर रही है और करती रहेगी, और आगे आशा है कि हम ये वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे आगे। इरफान सर, तरन्नुम मैम का कहना है कि कांग्रेस जो पहले की विचारधारा पे चल रही है, जो एजेंडा है वही रहते हैं, लेकिन टीएमसी पर भी आरोप लगता रहा है और जो बहुजनों का मुद्दा होता है उसमें भी वो पीछे रही है ममता बनर्जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मतलब टीएमसी अगर जीतती है तो एससी एसटी ओबीसी को क्या फायदा होगा, अल्पसंख्यक को क्या फायदा होगा? पहले मैं कांग्रेस मोहतरमा तरन्नुम साहबा की बात पर आऊं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात जो उन्होंने कही है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मैं इत्तफाकी नहीं आया। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को हम लोगों ने बड़ी करीब से देखा है और चूंकि तो उसपे सर डाइवर्ट हुए हैं हम, नहीं ना, मैं पूरी ताकत के साथ उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं हम वो आइडियोलॉजी हमारी विकास की आइडियोलॉजी। मैं बता रहा हूँ कि टीएमसी आज जो भी कर रहे हैं, चाहे हमारी दीदी हो या हम लोग सब कांग्रेस की ही प्रोडक्ट। पहले आप समझिए जी, जी, जी। जब तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी सही थी, कांग्रेस जब तक आवाम के बारे में सोचा करती थी, जब तक गरीब मजदूर दलितों के बारे में कांग्रेस सोचा, माफी चाहूंगी सर, तभी माफी चाहूंगी, टोक रही हूं बीच में आपको। मुझे जी बोले, आप अपनी बात कहें, मैं बताऊं, कहें आप अपनी बात। आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी जब तक थी सही, मैं मानती हूँ आज भी सही है, पहले भी कांग्रेस विकास के साथ थी, पहले भी कांग्रेस गरीबी उन्मूलन के साथ थी, वो आज भी है, उससे डाइवर्ट नहीं हुई है। बदनाम जरूर किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस के अगेंस्ट जरूर खड़ा किया गया है। आज सोशल मीडिया पर ये बहुत फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से भटके हैं, कांग्रेस मतलब भ्रष्ट होती जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार अब कहां पर, किस चरम सीमा पर है आप भी देख सकते हैं उसको। तो राफेल की फाइल कहां गई नहीं पता। मेरे एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा देखिए, जाति तौर पे किसी का कोई झमेला तो होता नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी का ही झमेला है जितना भी है हमारा। आपका जो कांग्रेस का या टीएमसी का या सीपीआईएम का या बीजेपी का जो भी है, वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को हम लोग किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी के मुखालफत करते हैं, फर्क नहीं। जब तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी सही थी, मैं आपको बताऊं, मैं इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता इसलिए वक्त बहुत कम है और बहुत देर से हम लोग आए भी, तो मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे राजीव गांधी जी तक जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी मैं उसकी बात करूंगा, उसके बाद तक कांग्रेस का जवाल शुरू हो गया, उसके पहले तक की मैं बात बोलूंगा कि आजादी के बाद से हिंदुस्तान में गरीब तबका बहुत बड़ा तबका था। आपने सबसे ज्यादा हुकूमत किया हिंदुस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा हुकूमत किया आपने। ये अलग बात है, अपवाद है कि बीच में बीजेपी 2-3 बार आई गई, लेकिन कांग्रेस ही मुकम्मल तौर पर रही। मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, जो सच्चाई है, जग जाहिर है, वो मैं बोलूं ना बोलूं सभी को पता है। लेकिन उसके बाद से हमें ये बताएं कि आजादी के बाद से, अभी आपने गरीबों की, दलितों की, समाज के दबे कुचले लोगों की आपने बात की, मुझे ये बताएं कि कांग्रेस के इतने लंबे पीरियड में, इतने लॉन्ग पीरियड में गरीबों का उत्थान कहाँ हुआ, उद्धार कहाँ हुआ, समाज में दबे कुचले लोगों का, आदिवासियों का क्या उत्थान किया कांग्रेस ने? आज अगर कांग्रेस में राजीव गांधी जी के बाद से मुसलमान कटते चले गए कांग्रेस से, कांग्रेस पर मुसलमानों ने, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज ने आंख बंद करके भरोसा किया। 70 साल के पिछले रिकॉर्ड को आप देखें तो राजीव गांधी जी ने जब बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, पूजा करवाया, उसके बाद से मुसलमान कांग्रेस से कटना शुरू किया। और छोटे छोटे आवाज जा रही मैम, हेलो, अभी आवाज जा रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बहरहाल, तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो बीच में बदलती चली गई, धीरे धीरे समझ में यह आता गया कि कांग्रेस पर भी ब्राह्मणवाद ने कब्जा कर लिया,
और ब्राह्मणवाद ने जब कांग्रेस पर कब्जा कर लिया तो नतीजा ये हुआ कि खुद पार्टी के अंदर आप देखें कि जो एससी एसटी ओबीसी से जो नेता आते थे कांग्रेस में, वो भी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते चले। मुस्लिम लीडरशिप को कांग्रेस ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। मुस्लिम माइनॉरिटीज को कांग्रेस ने सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, हर महाज पे कांग्रेस ने मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। इतना पीछे छोड़ दिया कि मुसलमानों से बेहतर रिजल्ट हिंदुस्तान में आदिवासियों का और एससी एसटी वालों का होना शुरू। हम नहीं कहते कांग्रेस की सर माफी के साथ मैं आपको इस पे सर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर जो सरगर्मी हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, इस पर प्रकाश डालिए सर। मैं आ रहा हूँ बंगाल चुनाव पर, मैं आ रहा हूँ बंगाल चुनाव में। आज देखते हैं कि त्रिपुरा में बीजेपी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, सबको पता है। भी अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी इतनी ही बेहतर है, अच्छी है, और वो कांग्रेस समझती है कि बीजेपी देश विरोधी काम कर रही है, देश को तबाही की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस ने खुद जो 70 सालों में जो सरकारी प्रॉपर्टीज, सरकारी संस्थानों को जो पैदा किया, बनाया, बीजेपी उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो फिर वो सपोर्ट क्यों करती है। अच्छा, तीसरी बात आते हैं बंगाल के चुनाव पर। मगरबी बंगाल में कांग्रेस आज सीपीआई, हमने सारी जिंदगी हम लोग सीपीएम के साथ में लड़ते रहे, इनकी आइडियोलॉजी से लड़ते रहे, इनके जो नाम पर आते थे सीपीएम वाले वोट लेते थे, लेफ्ट फ्रंट की तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, वो किसानों के नाम पर, गरीबों मजदूरों के नाम पर वोट लेते थे और इनको ही तबाह और बर्बाद भी करते थे। इनकी सीपीएम वालों की आइडियोलॉजी ये थी कि गरीब को गरीब रखो तब वो वोट देगा, हमें वोट तब देगा जब गरीब गरीब रहेगा, उसको नया नया सपना दिखाएंगे। कांग्रेस की तरफ से हम लोग हमेशा लड़ते रहे इन लोगों से। आज ऐसी क्या सुरखाब का पर लग गया सीपीआईएम में कि कांग्रेस उसके साथ जोट करके बंगाल में टीएमसी की जमी जमाई सरकार को, अच्छे ढंग से चलने वाली सरकार को, आवाम की खिदमत करने वाली सरकार को गिराने के लिए आज लेफ्ट फ्रंट के साथ में कांग्रेस अलायंस करके इलेक्शन लड़ रही है। इससे फायदा किसको होगा? गौर करके अगर देखिए, अगर पॉलिटिकल मजाज रखती है मोहतरमा भी हमारी बड़ी बहन, अगर पॉलिटिकल मजाज फायदे के लिए नहीं, आज जनता के फायदे के लिए अलायंस करना पड़ रहा है, तो उसमें माफ कीजिए मैम, माफ कीजिए, आप हमसे मेरी बहन के जैसी है। मैं पार्टी जो भी करती हूँ आप, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी। कांग्रेस आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है, आवाम को नहीं है कांग्रेस की जरूरत, बल्कि कांग्रेस को अपने वजूद को बचाने की जरूरत आज पड़ चुकी है। आवाम को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जो जहां पर क्वेश्चन मार्क जो लगाया जा रहा है वो अपोजिशन की तरफ से ही लगाया जा रहा है, इंटरनल ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं बंगाल में ये बताइए कि बंगाल में वो कौन सा काम कांग्रेस लेके आई है कि हम ये कर देंगे? मैनिफेस्टो मैंने देखा उसमें कांग्रेस का, तो जो ममता बनर्जी जो काम कंटिन्यूसली करती चली आ रही है 10 साल से, और उसको तमाम, अभी सदाम साहब ने क्वेश्चन किया था, कि एससी एसटी ओबीसी वालों का क्या फायदा होगा। भाई आप हमारे टीएमसी के मैनिफेस्टो को देख लें, और मैनिफेस्टो को तो इलेक्शन पीरियड में शो किया जाता है, लेकिन 10 साल बैक जाके ममता बनर्जी के काम को देख, आप काम को देखते हुए आए ममता बनर्जी, इक्वली आपको मिलेगा कि हर तबके के लिए, हर मजहब के लिए, हर जातवाद के लिए ममता बनर्जी ने इक्वली काम किया है। एज ए मुस्लिम हम प्राउड फील करते हैं कि मगरबी बंगाल में 34 साल के बाद में हम लोगों ने देखा कि मुसलमान कहीं ना कहीं तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, इकोनॉमिकली हर तरह से मुसलमान जो है आज आगे बढ़े हैं, और दलित समाज भी आगे बढ़ा है, और जो दूसरी कास्ट के लोग हैं वो भी आगे बढ़े हैं। तो अभी इसमें तो सॉरी, अब तो मैं ये समझूंगा, हाँ रेशियो बढ़ा है हर जगह, हर लेकिन उसमें मुस्लिम का तो जिक्र नहीं है ना सर। वो कह रहे कि एससी एसटी ओबीसी को मिलेगा 200 रुपए, 500 रुपए जैसा उन्होंने कहा है, और 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मुस्लिम का जिक्र नहीं है। तो नहीं लग रहा आपको कि टीएमसी भी मुस्लिम को दरकिनार कर रही है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी पहले बंगाल में ओबीसी की एक रैंक थी जिसमें मुसलमान समाज से कुछ लोग आते थे जो ओबीसी बी में आते थे, वो ठीक है ना,
ममता बनर्जी ने इसमें अमेंडमेंट करके ओबीसी ए किया। ओबीसी ए करने के बाद कुछ मुसलमानों को बड़ी जात वाले जैसे खान हो गए, शेख हो गए, सैयद वगैरह हो गए, इन लोगों को ममता बनर्जी ने ओबीसी ए मिलाया, ठीक है ना। अब हम आपको एक बात बताएं कि पूरी मुस्लिम समाज को जात के नाम पर आप डिवाइड करके देखिए, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, ये वो करके देखिए, तमाम के तमाम आपको ओबीसी में मिल जाएंगे। अब अगर ममता बनर्जी ओबीसी के उत्थान की बात करती हैं तो उसमें मुसलमान समाज कहां से नहीं आया, ये आप हमको समझा। मुसलमान समाज है उसमें, वो एससी एसटी ओबीसी की बात करती, वो हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई मुस्लिम समाज की बात नहीं करती है। लेकिन यही है एक सेक्युलर लीडर की पहचान। एक सेक्युलर लीडर जब भी बात करेगा, क्योंकि अगर मुसलमान समाज की बात करती है तो कांग्रेस और बीजेपी यही कहेगी कि तुष्टिकरण हो रहा है, मुसलमानों के साथ तुष्टिकरण की राजनीति अप्लाई की जा रही है। ऐसा आरोप लग रहा है कि टीएमसी भी हिंदुत्व के तरफ राजनीति कर रही है, तरह राजनीति कर रहे हैं, आरोप लग रहा है सर ऐसा, टीएमसी पर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। एक एक बात समझने वाली है कि हिंदुत्व की राजनीति, आप बताएं कि हिंदुस्तान क्या मुस्लिम कंट्री है? आप कहेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि सेक्युलर कंट्री, यही ना कहेंगे, सेक्युलर कंट्री है हिंदुस्तान। इन जो मेजोरिटी में होता है, जिसकी तादाद ज्यादा होती है, समझ गए, उसकी तरफ ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। आज हम बीजेपी की वो हिंदुत्व वाली राजनीति की बात मैं नहीं करता, मैं हिंदू समाज की बात करता हूँ, हिंदू समाज की मैं बात करता हूँ। उनकी तादाद ज्यादा है, हम 27% है बंगाल में, मगरबी बंगाल में हमारी जो पॉपुलेशन है 27% है, लेकिन बाकी तो हिंदू हैं। अच्छा, उन हिंदुओं में तमाम पार्टी के भी लोग हैं, तमाम पार्टी के, तो उनकी बात तो करनी होगी, उनका भी तो उत्थान होना चाहिए, उनकी भी तो तरक्की होनी चाहिए, और जो तरक्की उनकी रेशियो, उनकी पॉपुलेशन की रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, उसकी बात उन्होंने की है और हमारी तरक्की हो रही है। अब देखिए, हम काम ही नहीं करना चाहेंगे, हम अपनी तरक्की के खुद दुश्मन बन जाएंगे, हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, इसमें ममता बनर्जी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि फैसिलिटी मुसलमानों को नहीं है तो हिंदू को भी फैसिलिटी है, कम से कम ये तो कांग्रेस और बीजेपी नहीं कहेगी कि मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत ममता बनर्जी कर रही है, लो भाई अब हिंदुओं की बात हो रही है। कभी डिवाइड, कांग्रेस तो कभी इस तरह के सोशल डिवीजन की बात ही नहीं करती, वो तो कहती है सबको एजुकेशन मिले, सबको रोजगार मिले, हर तरीके से आदमी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, खुशियों का, पढ़ाई का, रोजगार का। कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा जी, कांग्रेस का ये एजेंडा था मैम, कांग्रेस का ये एजेंडा है नहीं, ये था, बिल्कुल है। अगर कांग्रेस का ये, बिल्कुल है सर, एक चीज बताए, ठीक है ठीक है, मैं आप एक बात बताएं, ड्यू रेस्पेक्ट, आप एक बात बताएं कि 70 साल कांग्रेस के दौर में आपकी मुस्लिम कम्युनिटी का क्या हाल हुआ हिंदुस्तान में, आप हमको इसको समझा दें। और 70 साल में ज्यादा से ज्यादा हुकूमत, तकरीबन 66 साल की हुकूमत कांग्रेस ने किया। आप अपने हमारे समाज, अपने समाज की बात करो, पहले पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कितने मुस्लिम्स होते थे, आज की देखा, पिछले साल ही देखे, 33 कैंडिडेट सिर्फ दिल्ली से सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स। अब ये देखिए, ये अभी के एजुकेशन का तो कमाल नहीं है ना, ये पिछले एजुकेशन का कमाल है। पिछले सालों से जो बेहतर एजुकेशन सिस्टम जो कांग्रेस सरकार ने दिया है, जो बेहतर हायर एजुकेशन लेवल पर इन लोगों को पहुंचाया गया है, तो वो कांग्रेस की तो देन है। तो इस तरह से अगर आप कांग्रेस को खड़े रखेंगे कि कुछ नहीं किया मुस्लिम्स के लिए खासकर, तो ये कहना गलत होगा। मुस्लिम के लिए क्या, पूरे देश के लिए, हर गरीब के लिए इक्वली काम किया है कांग्रेस ने, कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया है। मैं एक चीज याद, मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहता हूँ। और उस वक्त सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी दिल्ली में, और सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर अब्दुल अली अजीजी साहब। एक बार मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली गया था, उन्होंने मुझे कहा कि जो फंड कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए बनाया है, अरबों अरब रुपए उसमें पड़े हुए हैं खान साहब, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये फंड जाता तो है स्टेट में, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों? मैंने उनसे सवाल किया, क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि उसमें कुछ क्लॉज, उसके जो कानून जो बनाए हुए हैं, लोन वगैरह, एजुकेशन लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे जो भी है,
कुछ क्लॉज ऐसे बनाए हुए हैं कि जिसकी वजह से सिस्टम मत डालिए। बिल्कुल, यह सिस्टम कांग्रेस ने बनाया है मैम। कानून उस वक्त कांग्रेस की सरकार है देश में, उसने बनाया था, यह बीजेपी आके नहीं बनाई थी। और ना मैं ये कहूंगा कि देखिए सिस्टम योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो ऊपरी लेवल पे बनाई जाती हैं, उसको एग्जीक्यूट तो दूसरे लोग ही करते हैं ना जी। लेकिन कांग्रेस आपकी कामों में कभी पीछे नहीं रही है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, कांग्रेस ने सिस्टम बनाया है, लेकिन उस सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद सिस्टम पर आजकल नाम बदल बदल के योजनाएं नया नाम से है ना अब मोदी सरकार लेकर आ रही है, लेकिन वो पुरानी योजना हमारी कांग्रेस की तरफ से लाई गई थी। आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, सारी योजनाओं को नए नाम के साथ में रूपांतरित करके आपके सामने पेश कर दिया गया है, वो सब कांग्रेस की है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। कांग्रेस ने जो जो सबसे ज्यादा हुकूमत करेगा उस पर ज्यादा फर्ज बनता है कि वो आवाम के लिए योजनाएं लाए, लेकिन योजनाएं तब कामयाब होती हैं जब उसको आप जमीनी स्तर पर लाएं। जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पहुंचाई हुई अगर वो योजनाएं आवाम तक इक्वली पहुंचती मैम, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत, एससी एसटी ओबीसी की हालत 70 साल के बाद भी आज इतनी बुरी नहीं हुई होती। इसको आप एक्सेप्ट करें। नहीं नहीं सर, ये तो आपका मतलब ये मतलब इल्जाम कांग्रेस पर है तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं। नहीं, आप एक्सेप्ट ना करेंगे वो आप पार्टी करते हैं, इसलिए एक्सेप्ट ना करें। लेकिन लेकिन मैं काफी काम हुआ है, नहीं काफी काम हुआ है। आप है ना अगर देखना चाहें कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के लिए कितना काम किया है और बैकवर्ड क्लासेस ने कितना काम किया है, वो अपने लेवल पे खुद ही बयान कर देंगे कि कितना काम हुआ है। लेकिन इस तरह से आप बिना किसी आंकड़ों पर आंकड़े लेकर तोहमत लगाएंगे तो वो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कांग्रेस पार्टी। देखिए चूंके वक्त मैं माफ करना, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, वरना मैं आपको डेटा निकाल के दिखा दूंगा, आपको डेटा पेश कर देता कांग्रेस के काम का साथ। इरफान सर, मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे थोड़ा और सिलसिलेवार तरीके से बात करनी है। तरन्नुम मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी बंगाल में क्यों रैली कर रहे हैं, सिर्फ असम में जाकर क्यों रैली कर रहे हैं? पहले ही हार मान गए क्या? नहीं, हार मानने की बात नहीं है, इंसान का स्टैमिना भी तो होता है। अभी वहां पर गए हुए हैं, बंगाल में प्रियंका जी का है दौरा है। अब डिवाइड मतलब ऐसा तो नहीं कि एक जगह सब लोग जाएंगे, अब डिवाइड किया गया है सभी को। अब ये होता है ना कि गांधी नेहरू फैमिली क्यों आगे, गांधी नेहरू फैमिली क्यों? अब किसी का चेहरा अब आगे करना है तो किसी और को भी मौका मिलेगा ना। अब खाली राहुल गांधी थोड़ी ना है, कांग्रेस में काफी लोग हैं, काफी लोग जा रहे हैं। आप कवरेज करिए, उसको देखिए, सुरजेवाला साहब के पास चार्ज है बंगाल का, आसिफ साहब साथ में है उनके, वो प्रभारी बनकर गए हैं, तो वो भी कोई छोटा चेहरा नहीं है। आसाम में है, प्रियंका जी गई हैं, राहुल जी गए हैं, अब बंगाल में भी प्रियंका जी का दौरा है, तो इस तरह से सभी जगह है। लेकिन आप ये मत करिए कि स्पेसिफिकली उनको साइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। सुरजेवाला साहब है, राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं, वो गए हुए हैं, वो प्रभारी बन के गए हैं, वो काम कर रहे हैं वहां पर। अब मीडिया कवरेज नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं क्यों नहीं है? ठीक है, आप हमें नहीं है मीडिया कवरेज, ये आप भी क्वेश्चन करिए जी। बंगाल में क्या भविष्य दिख रहा है कांग्रेस का जी? बंगाल में क्या भविष्य दिख रहा है कांग्रेस का? देखिए, अगर हम को लग रहा है हम पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं, अगर पहले हमारी जितनी सीट्स है उससे डबल आ रही हैं, तो इसका मतलब वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा भविष्य है, बहुत पॉजिटिव मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए आगे का रिजल्ट्स बताएंगे, काम काफी अच्छे जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, बीजेपी को नहीं आने देंगे। लेकिन बीजेपी बंगाल में वैसे भी नहीं आएगी, बीजेपी का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ की आवाम जो है, बंगाल की आवाम बहुत समझदार है जी, और चूंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टेट से इलेक्शन होता हुआ 2021 में बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, तो और दूसरी जगह के जो हालात हैं, खास करके बीजेपी के स्टेट्स के हालात जो हैं, और मुल्की हालत जो भी बीजेपी ने बना दिया उस एतबार से भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सत्ता में ही नहीं रहना चाहिए बीजेपी को, सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए आवाम को। लेकिन हमारे यहाँ का कानून ऐसा है कि आप बैठा तो सकते हो गद्दी पर, किसी को उतार नहीं सकते।
ये प्रॉब्लम है हमारे, मुश्किल होती है हमारे कांग्रेस को आने दीजिए, इस पे भी थोड़े चर्चा होगी, उसमें अमेंडमेंट बिल लाए जाएंगे इंशाल्लाह, कांग्रेस आएगी। मैं चूंकि न्यूज एंकर तो नहीं, लेकिन मैम से तरन्नुम साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, माफ करना, कि ये बताएं कि आपके स्टार प्रचारक जो मगरबी बंगाल में जो आने वाले हैं, उनमें आपने गुलाम नबी आजाद साहब को अलग क्यों कर दिया? मुझे इसका जवाब चाहिए, कोई कांग्रेस वाला मुझे मिल नहीं रहा जिससे मैं ये पूछ सकूं, आप बताएं। नहीं, कपिल सिब्बल साहब भी नहीं है उसमें, काफी लोग नहीं है, ये जरूरी तो नहीं एक जगह पर हम पूरे कांग्रेस के चेहरे उतार दें, ये जरूरी तो नहीं है। पांच स्टेट में इलेक्शन है और पांच स्टेट के इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ, मैं ही नहीं आवाम देख रही है कि जो सीनियर लीडर्स कांग्रेस के, आखिर उन लोगों को आप इलेक्शन में उतार क्यों नहीं रहे, इसका जवाब मुझे भी चाहिए, क्योंकि भाई सियासत करता हूँ तो थोड़ा तो जिज्ञासा होनी चाहिए मेरे अंदर भी जानने। आपने बंगाल के स्टार कैंपेनर की लिस्ट देखी हो तो काफी 20-22 स्टार कैंपेनर गए हैं, उसमें इनका नाम नहीं है, 20 का 22 का है, उनको देखिए, वो स्टार कैंपेनर है, काफी बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, वही तो बता रही हूँ मैं आपको, बड़े बड़े नाम है, वो स्टार कैंपेनर है, अब देखिए उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। आपका मसला है बहरहाल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरी शुभकामनाएं, मेरी वेल विशेज हमेशा आपके साथ है, लेकिन एक चीज और भी है कि बंगाल में कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया है सियासत करने का, इस रास्ते से कहीं ना कहीं आवाम में यह मैसेज जा रहा है चला जा चुका है कि ये टीएमसी को रोकने के लिए और कहीं ना कहीं से बीजेपी को मदद करने के लिए ही ये रास्ता अप्लाई किया गया। अभी जैसे मुसलमानों का वोट, हम बंगाल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पूरे भारत की, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं सर, हमें सबको लेकर साथ चलना है, हमें किसी पर्टिकुलर एक स्पेस को लेकर नहीं चलना। साथ, मेरी बात सुनिए, साथ चलने वाली पॉलिसी अब कांग्रेस के पास में बची है, अब हमको बिल्कुल है सर, कौन सी पॉलिसी है जिसके साथ चलेगी कांग्रेस? कांग्रेस ने देखिए, जो मैंने अभी कहा है, माफ कीजिएगा, अभी मैंने कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई अभी बीजेपी किसके खिलाफ नहीं है, इसको आप माने, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ अभी अपने खुद के वजूद को बचाने की है, कांग्रेस अपने वजूद को बचाने में परेशान पड़ी हुई है। सर आपका मानना है ना वजूद है कि नहीं, राहुल गांधी सर आपका मानना है, ये आप देखिए राजस्थान के रिजल्ट उठा के देखिए कांग्रेस थी कि नहीं, मध्य प्रदेश के रिजल्ट उठा के देखिए कांग्रेस का वजूद है कि नहीं, आप छत्तीसगढ़ का रिजल्ट देख लीजिए, सबने यही कहा, सबने यही कहा था कांग्रेस नहीं बची है, खत्म हो गई, ये तीन स्टेट में कांग्रेस ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है सर। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ भी होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। मैं आपको सिक्के का दूसरा रुख भी दिखाना चाहता हूँ, ये तो सिक्के का एक रुख है कि आवाम ने कहा कांग्रेस को ले आया, चाहे वो राजस्थान हो या अदर्स कोई भी कंट्री, छत्तीसगढ़ हो, जो भी हो, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं मणिपुर में भी कांग्रेस की ज्यादा सीट आई थी, गोवा में भी कांग्रेस की ज्यादा सीट आई थी, सरकार नहीं बनी, वो तो आपको भी पता है। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस परफॉर्म अच्छा कर रही है, अगर बहुत अच्छी बात है, सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं कहना यह चाहता हूँ, सिक्के का दूसरा रुख मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अगर लोग सत्ता में ला रहे तो वो बीजेपी से आजीज आके, तंग आकर, परेशान होकर लोग कांग्रेस को ला रहे, ना कि कांग्रेस के वर्क के ऊपर। सर रीजनल पार्टी क्या कर रही है, अगर आजीज होकर कांग्रेस को ले रहे हैं, मतलब कांग्रेस ने काम किया है, ऑप्शन नहीं है वहाँ, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, मतलब ऑप्शन की बात नहीं है, ऑप्शन सर रीजनल पार्टीज भी आती हैं सर, इंडिपेंडेंट भी आते हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास वापस अगर आ रहा है कोई, इसका मतलब कांग्रेस ने काम किया है और आगे उम्मीद है उसको सिर्फ कांग्रेस से। भाई अगर कांग्रेस में एक मिनट बहुत थोड़ा सा वक्त दूंगा, कांग्रेस पर अगर लोगों को विश्वास है तो फिर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ही विश्वासघाती है, माफ कीजिएगा सर, कांग्रेस ही नहीं है, इंसान है, मैं आपकी बात को ही दोहरा रहा हूँ, मैं आपकी बात, कांग्रेस ही नहीं कही है सर, कांग्रेस ही अब भी कांग्रेस के साथ है, जो डाई हार्ड कोर हार्ड कोर कांग्रेस ही है वो अब भी कांग्रेस के साथ है, और जो जा रहे हैं वो कांग्रेस ही ना थे ना है ना रहेंगे कभी भी, हार्ड कोर कांग्रेस जिनको कह रहे हैं नहीं है आप, मैं उनको समझ रहा हूँ, जिनको आप हार्डकोर कांग्रेसी करें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन जो कांग्रेस में न्यू जेनरेशन कांग्रेस की, वो तो जीतने के बाद भी चली जाती है बीजेपी,
कांग्रेस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस की वो प्रॉब्लम जो है वो बीजेपी नहीं है, सत्ता में आने की हर पार्टी के साथ है, प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये तो टीएमसी में भी होंगे, देखिएगा अपने अपने पार्टी में भी देखिएगा, उसमें भी मिलेंगे आपको, ये सिर्फ पार्टी के पार्टी देखिए, एक दो लोगों से तो बनती नहीं, सौ हजार हजारों लोग होते हैं उसमें, मैं मानता हूं, हर पार्टी में दो चार ऐसे होते हैं, आपसी मतभेद होते हैं, उसमें नाराज होकर चले जाते हैं, ये तो घर में भी होता है ये, इसका मतलब है कि कांग्रेस को अपने लीडरों पर कमांड नहीं है, अपने नेताओं पर कांग्रेस को कमांड नहीं है, राहुल गांधी जी को या प्रियंका जी को या सोनिया जी को कमांड नहीं रहेगी अपने अपने नेताओं पर, ये सर आपका सोच है, ये आपका सोच है, नहीं नहीं हम लोग और हमारे लीडर कितना फॉलो करते हैं उनकी 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 बातों को और उनकी मतलब हर एक टर्म्स को एजेंडे को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ये दूसरी पार्टीज को लगता है और ये भ्रम फैला दिया गया है मीडिया द्वारा कि हम लोग मीडिया की बात नहीं है, जो सामने एक स्टेट की सरकार बदल जा रही है, कांग्रेस नंबर लाती है सरकार बनाने के और बाद में कांग्रेस को होटल में बंद करके रखना पड़ता है अपने नेताओं को, अपने जीते हुए एमएलएस को, और बाद में उसके बाद कांग्रेस छोड़िए वो तो हर पार्टी का यही हाल है, बीजेपी को भी बंद करके रखने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी वो बिक जाते हैं, तो बताइए मैम कि कांग्रेस को क्या इस पर सोचना नहीं चाहिए, कांग्रेस अपने उसी वजूद को बचाने की लड़ाई में, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बचाएं कांग्रेस को, बचाएं, मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस बचे, पुरानी पार्टी बचाने का नहीं सर, अब आगे बढ़ के काम करने का टाइम है, बच तो गई है कांग्रेस और देश को बचाना है, अब कांग्रेस को देश को बचाने के लिए काम करना है, कांग्रेस बच गई है, मगरबी बंगाल में जिसने जिसने जिस 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 क्वेश्चन एक छोटा ठीक है, मैं से पूछना चाहता नहीं सर, ये है ना थोड़ा मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है, इसमें आप भी नहीं आइए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक आईटी सेल पूरी लगाई गई है, लेकिन उसमें आप लोग बाग आ नहीं रहे हैं, अब सबको समझ में आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है आज तक और क्या हो रहा है अब, तो सब साफ नजर आ रहा है, काफी लोगों ने चश्मे लगाए हुए थे, सबने उतार के फेंक दिए, अब अपने नजरों से देख रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, मगर कांग्रेस के पास में भी कोई विकल्प नहीं है कि वो सत्ता में आ सके, इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं आप, अगर कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प तो कांग्रेस के पास में तो कोई विकल्प नहीं है, प्रभु राम राजन के साथ में राहुल जी का आप इंटरव्यू देख लीजिए, पूरी बीजेपी कांग्रेस अगर कांग्रेस मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, कांग्रेस चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि उस तरह का कॉन्वर्सेशन पूरी पॉलिटिकल बिरादरी में कोई नहीं कर सकता है, जिस तरह का इंटेलेक्ट और जिस तरह का क्षमता जो राहुल गांधी में है वो आज के लीडर में मैं नहीं समझती हूँ, है वो बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस की अगवानी कर सकते हैं, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, जी जी जी, मैं कांग्रेस पार्टी की अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हिस्टोरिकल पार्टी है, हमारी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है मैं वो लीडरशिप आप यकीन करें इस बात को, लीडरशिप का आपने काम कहां देखा है, किसी तरह से बीजेपी को सत्ता में रखने की सियासत अभी चल रही है कांग्रेस में, इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और वो कभी तो लगता ही नहीं कि वो सर फिर आप नहीं कह पाएंगे, आप ये मार्क करके रख लीजिए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंडिया की आज की इकोनॉमिक रेट देख लीजिए और पांच साल में रेट देख लीजिएगा, ठीक है, लिख कर रख लीजिए आप, उस पर तो हम लोग प्रधानमंत्री जी की मुखालफत करते ही हैं कि मनमोहन सिंह के जमाने की वो मतलब 10+ आपने ये कहा ना कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, मनमोहन सिंह को ही आप पार्टी प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना देते, पार्टी प्रेसिडेंट उनको बना दीजिए, आप गांधी खानदान से बाहर क्यों नहीं निकलते, आप गांधी खानदान से बाहर निकल लिए ना, आपको डिसीजन तो इन्हीं सबका होता है, डिसीजन आला कमान और सीडब्ल्यूसी का होता है, कहीं ना कहीं गांधी खानदान को अपना वजूद बचाना है और कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है, लड़ाई बस यही है कांग्रेस की, कांग्रेस को सत्ता में आने का सोचना, ऑपोजिशन को सबसे ज्यादा डर तो यही है, सबसे ज्यादा खौफ तो गांधी नेहरू फैमिली का ही है, ऑपोजिशन को सबसे ज्यादा खौफ है और सब चाहते हैं कि हट जाए, कांग्रेस फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रहे, बात करने के लिए आप लोगों ने मुझे हमारे साथ इरफान खान जो टीएमसी समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उसके बाद जो है तरन्नुम खान
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के वाइस चेयरपर्सन थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए और सभी मसलों पर हम लोगों ने जिक्र किया। लेकिन जो ओपिनियन पोल और एबीपी सीएनएक्स के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर टीएमसी की सरकार बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप दोनों ने मुझे बेहतरीन समय दिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।